जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का जितना अधिक महत्व माना जाता है, उतना ही अधिक महत्व कृष्ण छठी का भी माना जाता है। और इस बार कृष्ण छठी भी देखिए सर्वार सिद्ध योग में आ रही है। इस दिन अगर कृष्ण छठी के दिन अगर आप ये वस्तुएं भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी गोद भरती है, आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कृष्ण छठी पर भगवान कृष्ण को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कभी भी कृष्ण छठी को मना सकते हैं। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको पंचामी से स्नान कराएं, और या फिर आप शुद्ध जल में गंगा जल डालकर तुलसी दल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उनको स्नान अवश्य कराएं। उनको लाल या पीले वस्त्र अवश्य पहनाने चाहिए। देखिए, पीले वस्त्र, पीला चंदन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पीला देखिए बृहस्पति का कारक भी माना जाता है। इससे आपके गृहस्थी के जितने भी सुख हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान कृष्ण को काजल अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में ही मतलब सरसों का दीपक जलाकर उससे काजल बनाकर अगर भगवान कृष्ण को लगाते हैं, साथ ही अगर आप के घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी अवश्य लगाएं। अगर वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपका कहना नहीं मानते, उनकी तरक्की में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन भगवान कृष्ण को काजल अवश्य लगाना चाहिए। काजल लगाने के बाद आप अपने घर परिवार के बच्चों को भी अवश्य लगाएं। कृष्ण छठी के दिन देखिए भगवान कृष्ण को खिलौने, टॉफी या बिस्किट अवश्य अर्पित करने चाहिए, और एक खिलौना ऐसा अर्पित करना चाहिए जैसे झुनझुना, और उसको अपने भगवान कृष्ण के पास ही चढ़े रहने दें। अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी नहीं तो फोटो तस्वीर तो अवश्य होगी, तो आप उनका ही मतलब पूजन कर सकते हैं, कृष्ण छठी मना सकते हैं। दोस्तों, उस खिलौने को देखिए, अगर अभी तक आपके कोई संतान नहीं है तो भगवान कृष्ण के पास ही चढ़े रहने दें। जब आपके संतान हो जाएगी तो आप उस खिलौने को अपने संतान को अवश्य दें। इस तरह से आपको एक खिलौना इस दिन अवश्य चढ़ाना है। और साथ ही इस दिन देखिए माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है, और कड़ी चावल का प्रसाद भी बांटा जाता है। आप अपने घर में सभी सदस्यों को अगर मतलब भोग बनाया है तो आप ज़रूर मतलब खिलाएँ। दोस्तों, साथ ही देखिए इस दिन गोद भराई का बहुत अधिक महत्व माना जाता है कि जिन भी बहनों के अभी तक कोई संतान नहीं है तो इस दिन अपनी गोद अवश्य भरवानी चाहिए। आप चाहे तो किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण से अपनी गोद भरा सकते हैं, नहीं तो अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से अपनी गोद अवश्य भराएं। जो भी फल फूल आपने मतलब भगवान कृष्ण को अर्पित करे हैं उन्हीं से अपनी गोद अवश्य भरवाएं। दोस्तों, इस दिन आपको देखिए इच्छा पूर्ति के लिए चाहे आपकी कोई भी मनोकामना है, संतान की, पुत्र की, विवाह की, कोई भी मनोकामना है, तो आपको देखिए भगवान कृष्ण को एक कॉपी पेन पर आपको देखिए स्वास्तिक बनाना है, या लाल रोली से स्वास्तिक बना ले और लाल पेन से आपको अपनी इच्छा लिखनी है। जो भी आपकी इच्छा है, चाहे संतान की है, पुत्र की है, लिखकर आपको भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करनी है। जैसे दोस्तों, अपने घर में जब कोई बालक होता है तो उसकी छठी मनाते हैं, कॉपी पेन पर उसका नाम सब चीज़ लिखी जाती है, उसी प्रकार आपको इस दिन भगवान कृष्ण को अवश्य कॉपी पेन अर्पित करनी है। अपनी जो भी मनोकामना है अवश्य लिख दें और भगवान कृष्ण के हाथ पर एक कलावा अवश्य बांधें अपनी मनोकामना बोलकर। दोस्तों, इस तरह से अगर आप इस दिन भगवान कृष्ण की छठी मनाते हैं तो यकीन मानिए, क्योंकि जितनी धूमधाम से हम कृष्ण छठी मनाते हैं भगवान कृष्ण उतने ही प्रसन्न होते हैं और आपकी जो मनोकामना है अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर इस सर्वार सिद्ध योग में अगर आप भगवान कृष्ण की छठी मनाते हैं, भगवान कृष्ण को ये सभी वस्तु अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, कृष्ण छठी के दिन आपको 6 बत्ती का दीपक अवश्य जलाना है। 6 बत्तियों का दीपक जलाकर आपको संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप जरूर करना चाहिए अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं। नहीं तो आपकी कोई और मनोकामना है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन जितनी धूमधाम से भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करके हम भगवान छठी मनाते हैं तो उतनी ही हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हमारी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो दोस्तों, इस दिन आप भगवान कृष्ण की छठी अवश्य मनाएं और भगवान कृष्ण को ये वस्तुएं अवश्य अर्पित करें तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और आप सभी को कृष्ण छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।